मौजूद नाजरीन सामीन और हाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अगर हम अपनी क्लासिकी मौसीकी का सरसरी जायज़ा भी लें तो एक नुक्ता नज़र वाज़ेह होकर सामने आता है और वो ये है कि हमारी क्लासिकी मौसीकी के सौते इसी सरजमीन से फूटे हैं। सकाफत और फ़न खला में परवान नहीं चढ़ते बल्कि अपनी अपनी कदीम रवायत का सहारा लेते हुए नए नए फ़नकारों को जिला बख्शते हैं। फ़न और ज़िंदगी का बहुत गहरा ताल्लुक है। हर एक खित्ते की अपनी अपनी रवायत होती है जो कि अपने अपने खित्ते की सरजमीन की खुशबू में रची बसी होती है। हमारी क्लासिकी मौसीकी भी हमारी इसी धरती में परवान चढ़ी है। बैरूनी असरात भी मौजूद हैं लेकिन उनमें से किसी एक की छाप हमारी क्लासिकी मौसीकी में मौजूद नहीं, बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि हमारी क्लासिकी मौसीकी सदियों की बतदरीज इर्तका और अमले मेहनत का नतीजा है, इंसानी अमले मेहनत का नतीजा है, तो ये बेजाना होगा। अगर हमारे अवाम ने अपने क्लासिकी शायरी और मुसव्वरी के फनपारों को अपने सीने से लगा रखा है तो अपनी क्लासिकी मौसीकी से भी दूर नहीं, बशर्ते कि उन्हें अपनी इस क्लासिकी मौसीकी की अहमियत का अंदाज़ा हो। पाकिस्तान टेलीविज़न का ठाठों पर मुश्तमिल ये प्रोग्राम सदा और सास इसी ज़िम्न की एक कड़ी है, एक अदना सी बल्कि एक बहुत मुस्बित काविश है। इस हवाले से हमारी पूरी टीम ने ये कोशिश की है कि हम अपने क्लासिकी मौसीकी के परतौ आपके सामने उजागर करें, आपको उनसे मानूस करवाएं, अपनी क्लासिकी मौसीकी की अहमियत और वसत आपके सामने पेश करें। ख्वातीन हजरात, हम आपको सदा और सास के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज के मेहमान खसूसी तो नहीं कहूँगा लेकिन ये ज़रूर है कि मैं फ़नकार खसूसी हैं जनाब नियाज अहमद साहब जो कराची से तशरीफ़ लाए हैं, हम उनके बहुत खुश शुक्रगुजार हैं। वैसे कहा जाता है कि नियाज अहमद साहब बरे सगीर के, पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि बरे सगीर के मुमताज़ हारमोनियम नवाज में से हैं। उनसे सबसे पहले जो मैं ये पूछना चाहूँगा वो ये है कि ये एक सवाल जो न सिर्फ हम लोगों के बल्कि आम आप सब लोगों के जहन में उभरता है कि हारमोनियम में ये हमारी क्लासिकी मौसीकी का हिस्सा बन गया, हिस्सा भी नहीं बल्कि एक जुज़्व अहम बन गया, ये मैं आपसे नियाज साहब ये पूछना चाहूँगा कि ये कैसे हुआ। मैं अर्ज़ करता हूँ जनाब, बात यह है कि हारमोनियम एक साज ऐसा था कि इसको ज़्यादातर कव्वाल हजरात ने इसको इस्तेमाल किया। गवैये जो बड़े नामवर शख्सियतें थीं, जो बड़े लोग थे, उन्होंने हारमोनियम को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी क्योंकि गाना ही इतना सुर में होता था कि उनको किसी ऐसे साज की ज़रूरत कभी ना पड़ी है ना पड़ेगी। वो सिर्फ तानपुरा इस्तेमाल करते थे या एक हमारा साज है सारंगी जिसको उनके साथ संगत करने में आसानी होती थी। जब हारमोनियम लोगों ने छेड़ना शुरू किया तो हर खास आम के पास हारमोनियम आ गया और उन्होंने बजाना तो शुरू किया मगर ये क्लासिक की इसकी हैसियत जो थी वो किसी से हमने तो नहीं सुनी और ऐसा कोई जिक्र भी नहीं सुना था। मगर पाकिस्तान में यहाँ उन शख्सियतों का नाम लेना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि जिन्होंने इसको क्लासिक की रंग दिया, वो उस्ताद हबीबुद्दीन खां साहब, उस्ताद सादिक हुसैन पिंडी वाले और एजाज हुसैन हज़रवी साहब जो हमसे पहले ये बजाते रहे और पूरे पाकिस्तान को क्या बल्कि हिंदुस्तान को भी लोगों को सुनाया कि ऐसे इस तरह से किसी ने हारमोनियम बजाया नहीं। हारमोनियम की इस हैसियत को देना जो था ये उन्हीं लोगों का काम था। माशाल्लाह, ये यानी आपका ये जो है आपके कहने से ये वाजे होता है कि हारमोनियम को मौसीकी में इस्तेमाल करने का सेहरा सबसे पहले कव्वालों के सर है। जी जी जी, ये रहा। अब ये बताइए कि जैसे कि हमारे इल्म में है और सब जानते हैं कि आप माशाल्लाह एक बहुत अच्छे और नामवर हारमोनियम नवाज थे, लेकिन आपने क्यों ये महसूस किया कि आपकी जो एक फ़न की जस्तुजू है उसके लिए हारमोनियम ही काफ़ी नहीं बल्कि आपने इजहार के दूसरे तरीके भी ढूंढे और माशाल्लाह उसमें भी अपना लोहा मनवाया?
बस करम है उसका, एहसान है, अल्लाह के बड़ी मेहरबानी है। हारमोनियम क्योंकि सीखा, सीखने का जहाँ तक के ताल्लुक है, तो एक शेर मैं आपकी गोश गुजार कर रहा हूँ कि जस्तजू हो तो सफ़र ख़त्म कहाँ होता है, यूं तो हर मोड़ पे मंजिल का गुमा होता है। माशाल्लाह। हारमोनियम सीखा और उसके बाद अकॉर्डियन सीखा। हमारी जो बेसिक मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरह मौसीकार बनूं बचपन से, तो एक जस्तजू थी, लगन थी और लोगों के साथ बड़ी मेहनत की, बहुत लोगों के साथ अपना वक्त दिया और उनकी खिदमतें भी की, तो खुदा का शुक्र है, उसका एहसान है कि फिर मैंने एक वक्त यह आया कि सारे पाकिस्तान के जितने सिंगर हैं उनको मैं कंपोज कर चुका हूँ, करता रहा हूँ और कर रहा हूँ। वाह माशाल्लाह। यानी आप कंपोज़र भी हैं, और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये कहूँ कि आपने गुलूकारी में भी अच्छा खासा मकाम पैदा किया है। आपकी बहुत सारी धुनें जो हैं माशाल्लाह बहुत मशहूर हैं, सर फहरिस्त हैं, हरमीन नवाज भी हैं, तो आज आप हमें अपने किस किस फ़न का मुजाहरा हमारे सामने पेश करेंगे? हकीकत तो यह है कि आया कुछ भी नहीं, ये सिर्फ अपने आप को राज़ी करने वाली बात है। इसका फैसला हमेशा आवाम में किया जाता है, एक्सपर्ट करते हैं कि हमें क्या आया। हम जब अपनी तरफ देखते हैं तो अपना सफ़र जो है वो जारी है, सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे माशाल्लाह। वो कहते हैं जिस वक्त आप अपने आप को खलीफा समझने लगें उस वक्त आपका फन जो है खत्म हो जाता है, हमेशा आप सारी जिंदगी सीखते रहते हैं। आज आप हमें क्या सुनवाएंगे? क्या सुनेंगे आप? तो आप कराची तशरीफ लाए हैं, हमारे बहुत मौजूद मेहमान हैं। पहले आप अगर चाहें तो मैं थोड़ा सा हारमोनियम जो मुझे जो मेरी बेसिक तालीम थी जहाँ पहली, उसी से अगर आप कहते तो मैं वो शुरू कर देता हूँ। कौन सा आप राग सुनवाएंगे हमें हारमोनियम पर? बड़ा आम है राग, कोई ख़ास बात नहीं, राग एमन।
Thank you.
Thank you.
जाए तेरी नजर
दाग मोहब्बत कहाँ छुपा रखूं, ये एक दाग मोहब्बत कहाँ छुपा के साथ। हमारे साथ एक और नौजवान फनकारा हैं, हमें उन पर बहुत नाज है क्योंकि उनका ताल्लुक इसी खत्ते से है, हिना सिद्दीकी। नौजवान होने के बावजूद बड़ी पुख्ता फनकारा हैं, बड़ी पुख्ता गुलुकारा हैं और हमारी इस सदा और साज की टीम की एक अहम मेंबर हैं। एक जो चीज़ देखने में आई है वो ये है कि बहुत ही नहायती पेचीदा क्लासिकी धुनें जो हैं, जो कि रईस अहमद साहब ने तरतीब दी, उनको इन्होंने नहायत खूबसूरती से अपनी आवाज़ में उतारा है, ढाला है। तो हम हिना सिद्दीकी आपसे पूछेंगे कि आप हमें क्या सुनवाएंगी आज? आज जी मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि नियाज साहब कराची से आए हुए हैं। बहुत से कंपोजर्स की कंपोजिशंस में मैंने गाया, लेकिन एक और इजाफा हो गया, नियाज अहमद साहब की कंपोजिशन है, तो वो आपको सुनवाऊंगी। आरिफ राना साहब का कलाम और मौसीकी नियाज अहमद साहब की। सोने पे सुहागा। मैं एक बात जरूर कहना जी चाहूंगा आपकी इजाजत से कि मौसीकी के इतने गर्म मौसम में आरिफ राना साहब ने एक हवा का जो झोंका, ठंडी हवा का जो झोंका पाकिस्तान में फेंका है, ये बड़ा काबिल जिक्र है और काबिल तहसीन है कि जहाँ हमारी हर स्टेज जो है वो उन नौजवानों से भरी हुई है जो इंटरटेनर हैं, मगर क्लासिकी मौसीकी का उस दौर में ये प्रचार होना ये बड़ी बात है। बचा लो ना, कोई नहीं है आने वाला, इस दिल को
से मिलता है आदमी आदमी से मिलता है दिल मगर गम किसी से मिलता है आदमी आदमी से मिलता है आदमी आदमी से मिलता है दिल मगर गम किसी से मिलता है गुजारिश है क्योंकि आपने बहुत सारे नगमे हमें सुनाए हैं इस तवील सफ़र के दौरान हाँ जी तो आप हम आपसे दरख्वास्त ज़रूर करेंगे हमारी दरख्वास्त है आप माने ना माने आपकी मर्जी प्लीज़ ये है कि हमें कोई आप जितने आपने ये पहले सदा साज के प्रोग्राम में नगमे सुनाए हैं उनमें से कोई एक अपना पसंदीदा नगमा भी हमें सुनवाइएगा जी बिल्कुल Thank you.
खिड़की खुली रही, तुम आए ना सारी रात खिड़की खुली रही। खिड़की खुली रही।